नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। भाजपा को समर्थन देने की अटकलों पर अजीत पवार बोले, मेरे बारे में फैली अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं, एनसीपी के साथ हूं और साथ रहूंगा। अतीक हत्याकांड के बाद योगी आदित्यनाथ बोले, अब कोई माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता। भारत में एप्पल के पहले स्टोर की ओपनिंग, मुंबई में सीईओ टिम कुक ने स्टोर का उद्घाटन किया, हाथ जोड़कर लोगों का स्वागत किया। अतीक अशरफ की हत्या की जांच के लिए समिति की मांग पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत। हिमाचल की राजधानी शिमला में 173 साल पुराना राष्ट्रपति निवास अब आम जनता के लिए खुलेगा। पटना के बाद अब भागलपुर में एलईडी डिस्प्ले पर चला अश्लील संदेश। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान शख्स ने दी बम की धमकी। कर्नाटक के 31 लोग सूडान में फंसे, कांग्रेस ने जल्द से जल्द निकालने की मांग की। आइए अब नजर डालते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों पर। युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के खिलाफ केस। राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, तीन की मौत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा का गहलोत सरकार पर हमला, कहा राजस्थान सरकार अपराध काबू करने में फेल साबित हुई। पेपर लीक मामला, एसओजी ने आरपीएसी सदस्य बाबूलाल कटारा और उनके भांजे को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 30 अप्रैल तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड की खास खबरें। बॉबी देओल रणबीर कपूर ने पूरी की एनिमल की शूटिंग। एनटीआर 30 से जुड़े सैफ अली खान, 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी फिल्म। पंजाबी बीट्स पर थिरके सलमान खान, किसी का भाई किसी की जान का ओ बल्ले बल्ले सॉन्ग हुआ रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई शकुंतलम, सामंता को लगा बड़ा झटका। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की खास खबरें। रिलायंस कैपिटल समाधान प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 16 जुलाई तक बढ़ाई गई। चीन की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ी। श्रम मंत्रालय ने राज्यों से बढ़ती गर्मी की स्थिति के बीच निर्माण खदान श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा खुलासा, कहा ईद की छुट्टियों के दौरान मुझ पर हो सकता है एक और घातक हमला। न्यूयॉर्क में चल रहा था चीन का सीक्रेट पुलिस स्टेशन, एफबीआई बोला इसके जरिए जिनपिंग के विरोधियों को धमकाते थे दो चीनी नागरिक गिरफ्तार। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद 8 घायल, कई अन्य लापता। श्रीलंका ने चीनी रिमोट रडार बेस के निर्माण से किया इनकार। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।